कहना चाहेंगे? धन्यवाद। मेरा नाम क्रांति प्रकाश झा है और मैंने महेंद्र सिंह धोनी फिल्म में संतोष लाल का किरदार निभाया है, जिसने MSD माही को हेलीकॉप्टर शॉट खेलना सिखाया था, जिसको फिल्म में आपने शायद थप्पड़ शॉट भी सुना होगा, और सिंघारे के ऊपर, समोसे के ऊपर। तो बहरहाल सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि आप एक 200 करोड़ कमाने वाली फिल्म का एक हिस्सा हैं, और वो भी इतना एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो आई फील वेरी नाइस एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड। सर, कितना मुश्किल रहा इस किरदार को निभाने के लिए? आप सपोर्टिंग थे सुशांत सिंह के जी, साथ जी। तो आपका किरदार बहुत पसंद किया है दर्शकों ने जी। तो कितना मुश्किल रहा इस किरदार को निभाने के लिए? सुशांत सिंह ने तो 2 साल मेहनत किया, तो आपने कितना मेहनत किया इस फिल्म को? देखिए, मेहनत तकरीबन हमारी भी कुछ 3-4 महीने गई, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर शॉट जो आप सिखा रहे हैं धोनी को, तो जब तक आप खुद कन्विंसिंगली नहीं उसको स्क्रीन पे उतार पाएंगे तो लोगों को लगेगा यार ये कौन सा आदमी उठा के ले आया है, इसको आता भी नहीं है। तो वो एक विधा जो है हेलीकॉप्टर शॉट खेलने की, सीखने की, तो उसमें 3-4 महीने लगे। और कहीं ना कहीं मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नीरज सर का, क्योंकि ये पूरा एक टीम वर्क था, और सुशांत का भी, क्योंकि जब भी मैं चाहता था कि कोई मुझे आगे कुछ बता पाता है, वैसे तो सर ने एक इंस्ट्रक्टर, एक कोच, एक टीचर हमारे लिए छोड़ा हुआ था कि जो हमें सिखाते थे, पर सुशांत को जब भी वक्त मिलता था वो मेरे पास आते थे और कहते थे कि क्रांति इसको थोड़ा ऐसे थोड़ा वैसे। तो कहीं ना कहीं वो एक चीज़ स्क्रीन पे देखने को मिलती है, जहाँ पे लगता है कि हाँ इस बंदे ने शायद सिखाया होगा। धोनी सर से कुछ कॉम्प्लीमेंट मिला आपको इस, जब उन्होंने ये फिल्म देखी तो कुछ कॉम्प्लीमेंट ऐसा एक बताना चाहे अगर आप दर्शकों को? वेल, फिल्म रिलीज होने के बाद तो मैं धोनी जी से मिल नहीं पाया, क्योंकि वो बहुत व्यस्त हैं, अभी नहीं बात हो पाई है। लेकिन उसके पहले जब शूटिंग के दौरान लास्ट ईयर जब उनसे मुलाकात हुई थी एक बार, तो सारे जितने दोस्त हैं, 4 दोस्त, वो उनसे मिलने गए थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आप कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं, तो मैंने कहा संतोष लाल का। तो उन्होंने कहा अच्छा संतोष लाल, पर वो तो थोड़ा डार्क सा था यार, तुम तो बहुत फेयर हो, कैसे करोगे तुम? मैंने कहा सर मेकअप होता है ना, उसमें कर लेंगे, कुछ मैनेज हो जाएगा। आई होप कि फिर उनको फिल्म अच्छी लगी हो। तो सर, जैसे कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, जब उन्होंने ये फिल्म देखी तो क्या अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला आपको? भाई देखिए, हमारे दोस्त जो हैं वो मेरे सबसे बड़े, आप कह सकते हैं कि क्रिटिक हैं, और उनको आज तक मेरा कोई भी काम बाकायदा अच्छा नहीं लगा है, कि जहाँ पे वो कहें कि यार आज इस बार तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। वो कहीं ना कहीं, चाहे मेरी आँख का एक ब्लिंक होना हो या फिर कोई एक तलफ़ुज़ अगर ठीक नहीं हो मेरा, कहीं भी कुछ भी, तो वो कोई ना कोई चीज़ निकालते ही थे। पर इस फिल्म को देखने के बाद जब बाहर निकले, तो उसमें एक मेरा दोस्त है जो खुद टेलीविज़न करते हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं वो, रोशेश, जिन्होंने सारा भाई में रोल प्ले किया था, तो उनका नाम राजेश कुमार है। तो राजेश ने मुझे देखा और उसकी आंखों से आंसू निकल गए, तो मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ा एक कॉम्प्लीमेंट था कि मेरे दोस्तों को ये फिल्म पसंद आई, क्योंकि वो बहुत बहुत महीन से देखते हैं कि यार इसने क्या गलत किया होगा। और किस तरह से रही आपके एक्सपीरियंस सुशांत सिंह के साथ? वो भी एक बहुत टीवी के एक्टर है और उन्होंने बहुत इस फिल्म में, धोनी फिल्म में बहुत मेहनत की है, तो एज अ एक्टर तो आपने क्या मतलब एक्सपीरियंस किया उनके साथ? सुशांत के साथ बहुत ही, आप ऐसा कह सकते हैं कि मेरे वो जो आजकल एक कहावत है कि 2 AM फ्रेंड, वैसे नहीं है, लेकिन एक कनेक्ट जरूर बना है शूटिंग के दौरान, फिल्म के दौरान। कहीं ना कहीं हम दोनों का बिहार का कनेक्शन है, तो हम लोग रांची में जब शूट भी करते थे तो सिंघारा बहुत खाते थे, सिंघारा, समोसा, बालूशाही, झालमुरही, लिट्टी चोखा, जो बिहार, और बिहार का समझिए कि एक तरीके से नेशनल डाइट कह सकते हैं आप उसको। तो बहुत सारी बातें उसके ऊपर होती थी, स्कूल की बातें, तो एक कनेक्ट जो है वो ज़रूर बना है सुशांत से, और बहुत ही अच्छे आदमी हैं, बहुत ही सहज आदमी हैं। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि जब कभी बातचीत होती है तो बड़ा ही अच्छा लगता है। तो जैसे कि आप एक स्पोर्ट्स पर्सन का भी किरदार निभा रहे थे वहाँ पे, तो एक फिटनेस के बारे में कुछ अगर आप कुछ बताना चाहे तो कितना फिटनेस रखना होता है? वेल, आपके मसल्स जो सो कॉल्ड जिम में जाके बन जाते हैं, फिर चाहे आपके 6 पैक्स हों, कुछ लोगों के 8 पैक्स भी होते हैं, पर वो होना कहीं से भी ये नहीं दर्शाता है कि आप एक फिट आदमी हैं। फिटनेस एक अलग चीज़ है, और आदमी को कहीं, हर इंसान को फिट होना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी करें, पर जीवन में अपने कम से कम 20 मिनट हर दिन अपने आप को दें, क्योंकि ये शरीर रहेगा तभी आप रहेंगे। फिटनेस बहुत ज़रूरी है, और हम लोग बहुत मेहनत भी करते थे रांची में, मेकॉन स्टेडियम आपने फिल्म के अंदर देखा होगा, तो उसमें बहुत ड्रिलिंग चलती थी हमारी भागने की, और एक बहुत अच्छी टीम बन गई थी। तो जब मौका मिले हमने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया वहाँ पे, तो कुल मिला के बड़ा ही मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा। और इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं आप कोई? मैंने इस मेरी एक फिल्म को इस बार नेशनल अवार्ड मिला, जिसका नाम है मिथिला मखान। तो मिथिला मखान एक मैथिली फिल्म है, मैथिली एक भाषा है बिहार की जो बिहार में बोली जाती है, उसको इस बार नेशनल अवार्ड मिला है, तो ये बहुत गर्व की बात है हम पूरे बिहार के लिए, हमारे लिए, जितने भी वहाँ से लोग आते हैं उनके लिए।
और वो फिल्म रिलीज़ होने वाली है। बाकी MSD के बाद बातें चल रही हैं लोगों से, और इंशाल्लाह ज़रूर बहुत जल्दी कुछ अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। सर दिवाली आ रही है, तो जी दिवाली में क्या किस तरह से दिवाली आप मनाते हैं, कुछ इसके बारे में अगर आप बताना चाहें तो। दिवाली मैं ममता की गोद में मनाता हूँ, ममता की छाँव में मनाता हूँ। तो मैं अभी घर जा रहा हूँ दिवाली पे माँ के पास, तो दिवाली उससे अच्छी कहीं बन नहीं सकती, क्योंकि बैचलर एक छर्रे की ज़िंदगी जो होती है बैचलर लाइफ में, वो दिवाली, और जो आप माँ की गोद में जाके मनाते हैं दिवाली, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें माँ आपको खिलाती हैं बनाती हैं, तो मैं वही करने वाला हूँ इस बार। और आप सबको मैं अग्रिम जो कहते हैं दिवाली की सबको बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, बट हैव अ सेफ दिवाली, क्रैकर फ्री दिवाली, क्योंकि मज़ा बहुत आता है। मैंने भी बचपन में किया है, बहुत पटाखे छोड़े हैं, पैसे बहुत बर्बाद किए हैं, लेकिन कुल मिला के देखिए तो हैव अ क्रैकर फ्री दिवाली। जी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू।